क्या दोस्तों, आपके पास भी एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड मिला है और नया है और उसका पिन पहली बार बनाना चाहते हैं? दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं कि न्यू एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाएंगे, वो भी एटीएम कार्ड में जाकर। दोस्तों अगर आप एटीएम कार्ड का पिन बनाना चाहते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए? दोस्तों पिन बनाने के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, आधार कार्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और उस पे आपको मोबाइल नंबर चाहिए। बस आप ये तीनों ले चलिए और आप एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं हम डायरेक्ट एटीएम कार्ड के मशीन पे और वहाँ के लाइव प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि किस तरह से आप एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। दोस्तों जो तरीका आप मैं फॉलो करूंगा वो फॉलो करके आप अपने एटीएम कार्ड का पिन बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्ट एटीएम कार्ड के मशीन में। तो फ्रेंड आपको इस तरह से आ जाना है एटीएम कार्ड में। एटीएम कार्ड में आ जाने के बाद इस तरह से जीपी साइज से पकड़ना है, आपको इसमें डाल देना है। दोस्तों डाल देने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं डोंट रिव्यू योर कार्ड, योर ट्रांजैक्शन इज बीनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर चेक हो रहा है तो थोड़ा वेट करेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जनरेट न्यू एमपीएन योर कार्ड। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही क्लिक तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज इंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मोबाइल नंबर हम इंटर कर देते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए यहाँ पर चलिए मैं मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने का दोस्तों आपको यस कर देना है। दोस्तों जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्लीज इंटर योर बर्थ एंड फॉर्म डेट, तो यहाँ पर लिख देंगे। दोस्तों डाल देने के बाद आपको फिर से आपको यस क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे यस करेंगे तो दोस्तों आपको कुछ नए इंटरफेस खुलकर आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज इंटर द एक्टिव पासपोर्ट ऑन योर, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर पर एक पासपोर्ट आ चुका है तो यहाँ पर इंटर कर देंगे। मैसेज में आ चुका है तो थोड़ा देर वेट करेंगे और मैसेज का इंतजार करके आपको मैसेज में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैसेज में आ चुका है मेरा। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ चुका है 7486। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्टिवेट कोड यहाँ पर मिल चुका है। दोस्तों आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर पिन जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज वेट, और यहाँ पर आपको इंटर योर न्यू पिन। तो दोस्तों आपको जो भी पिन बनाना चाहते हैं वो पिन यहाँ पर इंटर कर देंगे और फिर से आपको वही पिन आपको टाइप कर देना है। दोस्तों अपने मन से आपको बना लेना है, फॉर्म आप ऑटोमेटिक हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पर्ची निकल कर आ चुका है कि मेरा पिन जनरेट हो चुका है, अप्लाई प्रूफ के साथ देख सकते हैं। और यहाँ पर एटीएम कार्ड का यहाँ पर निकालने के बोले, यहाँ पर देख सकते हैं थैंक यू योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। आई होप आप लोगों का यह वीडियो काफी यूजफुल मिला होगा, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए फिर मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।